यमुनानगर से, जहां पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है। सड़क हादसों से बचाव के लिए प्रशासन ने भी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, निर्देश जारी किए हैं। बड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। तो ये खबर यमुनानगर से। हालांकि देश भर की स्थिति इस वक्त ऐसी है, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने हर जगह दस्तक दे दी है और घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इसी वजह से कोई सड़क हादसा ना हो, इससे बचाव के लिए प्रशासन ने कुछ हिदायतें, कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी बड़े वाहन हैं उनको रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कुछ दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो है उनका मौसम आने से पहले ही जो है बड़े वाहनों पर या शुगर मिल में जितने भी वाहन आते थे और अन्य वाहनों पर भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा रिफ्लेक्टर लगाए गए और उनको हिदायत दी गई कि जिस प्रकार से आज पहला कोहरे ने दस्तक दी है, अगर इसी प्रकार से कोहरे में, क्योंकि कोहरे की वजह से कई बार जो है हादसे होते हैं और वह हादसों में जो उन हादसों के अंदर कमी आई, इसको लेकर जो है प्रशासन ने कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए हैं। और साथ ही साथ अगर आज की हम बात करें तो आज भी सुबह से ही इतना घना कोहरा था कि पूरा शहर ही मानो पूरी सफेद चादर के अंदर लिपटा हुआ था और स्कूल के वाहन और दूसरे वाहन जो थे वो बड़े जो है रिंग रिंग कर चल रहे थे और प्रशासन ने हिदायत जारी की थी कि जो भी है सावधानी के साथ चले ताकि कोई हादसा ना हो। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोई भी हादसा ना हो, उस हादसे से कैसे बचा जाए, क्योंकि सड़कों पर लगातार घने कोहरे की वजह से जो बड़े वाहन हैं वो अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है और इसकी वजह से दुर्घटना बढ़ने का जो अंदेशा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए अब ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अब सीधा रुख अगली अहम खबर की तरफ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है चरखी दादरी से, जहां पर भ्रूण जांच गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भंडाफोड़ किया। बस स्टैंड के पास एक लैब थी जिस पर यह कार्रवाई की गई है। टीम ने दो आरोपियों